आनंद श्री अद्वैत गदा शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्कार, नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी ते नामने नमस्ते। सरस्वती देवे वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भाई। हम 13 चैप्टर का नेक्स्ट सेक्शन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक में हमने 18 तक किया है, जहां पे नोएबल गेन के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो अभी तक बेसिकली भगवद गीता में बॉडी के बारे में बता दिया, शरीर क्षेत्र के बारे में इस चैप्टर में बारे में बता दिया, क्षेत्र के बारे में बता दिया, जो भी है और परमात्मा भी है। उसके बाद भगवान ने क्षेत्र बॉडी को एक्सप्लेन किया 13.5 आई थिंक 5 में। फिर उसके बाद भगवान ने क्षेत्रज्ञ आत्मा और परमात्मा, जो दोनों इस बॉडी के नोअर हैं, इस बॉडी को जानने वाले हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया। फिर 8वें से लेके 12वें श्लोक तक भगवान ने ज्ञानम नॉलेज को एक्सप्लेन किया, और प्रोसेस क्या है उस नॉलेज को अचीव करने का वो एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने पढ़ा था बहुत बड़ा 5 श्लोक इकट्ठे हैं। ये बहुत बड़ी लिस्ट थी, सिंप्लिसिटी एंड ऑल दैट, पूरा पूरा ह्यूमिलिटी टॉलरेंस, जो गुरुपद आश्रय भगवान के शुद्ध भक्त का शरण लेके भगवान की शुद्ध भक्ति तक में वो क्वालिटीज जा रही थी, जो उसकी टॉप मोस्ट क्वालिटी है। अगर किसी को नॉलेज है, अगर कोई अपने आप को ज्ञानी बोलता है, तो उसमें एक सिम्टम जरूर दिखना चाहिए, वो ये है कि उसमें भगवान के प्रति अनन्य भक्ति होनी चाहिए। ड्राई नॉलेज, ड्राई ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली वो सिर्फ अहंकार को बढ़ाने के लिए फ्यूल है, वो अहंकार को बढ़ाने के लिए घी घी की तरह है, जो आग में डालो तो और हमारे मटेरियल डिजायर, हमारा भौतिक जो बीमारी है, बढ़ती है। बट अगर उसमें भगवान के प्रति अनन्य भक्ति है, एक शुद्ध भक्त के शरण में रह के, तो वो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ज्ञान की। फिर हमने जब ये 3 पढ़ लिए, फिर चौथा जो अर्जुन का क्वेश्चन था वो था गेम, ऑब्जेक्ट क्या है इस ज्ञान का, इस ज्ञान को जानने के पीछे किसको जानना है, बेसिकली इस ज्ञान के थ्रू गेम क्या है, नोएबल क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है इस ज्ञान का। उसमें भी आत्मा और परमात्मा, जो 13.13 श्लोक है वो आत्मा के बारे में बता रहा है हमारे बारे में, और उसके बाद 13.14 से लेके 19 तक भगवान कंक्लूड करेंगे, जो भगवान अपने बारे में या परमात्मा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो वो हमारा, हमने 19 श्लोक करना है, ताकि हमारे को ये सेक्शन हमारा पूरा होए। और फिर अर्जुन के जो बाकी क्वेश्चन है, हाँ, जो अर्जुन के बाकी क्वेश्चन है वो हम 20 श्लोक से शुरू करेंगे, जो श्लोक नंबर 20 से स्टार्ट होगा और 26 तक जाएगा, जिसमें भगवान प्रकृति, नेचर, पुरुष जो भगवान है और उनके बीच का जो मेल है, उनकी यूनियन है, उसके बारे में भगवान बात करेंगे 20 से लेके 26 तक। तो 19th नंबर श्लोक का भी निकाल दो। वैसे 13 चैप्टर देखें तो इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज जो उसके जो वर्ड यूसेज है उसकी वजह से कठिन लगता है, बट एक बार आपको फ्लो समझ गया तो 13 चैप्टर बहुत इजी है उसको ग्रास्प करना। अर्जुन के क्वेश्चन, कृष्णा ने बॉडी को एक्सप्लेन किया, बॉडी में रहने वाले आत्मा और परमात्मा को एक्सप्लेन किया, फिर ज्ञान को, नॉलेज को एक्सप्लेन किया, फिर उस ज्ञान के जो नॉलेज के ऑब्जेक्ट है उनको एक्सप्लेन किया,
और फिर वो नॉलेज के ऑब्जेक्ट कौन है, वो भी आत्मा और परमात्मा दोनों है, तो उनको एक्सप्लेन किया। और फिर भगवान बताएंगे नेचर क्या है और इस नेचर का एक्चुअल एंजॉयर कौन है और इन दोनों के बीच का कनेक्शन। तो ऐसे चैप्टर का फ्लो है बेसिकली। बोलो प्रो। हाँ प्रभु, सॉरी मेरी लैपटॉप हैंग हो गया। टू मैं एक मिनट दोबारा स्टार्ट करता हूँ। टू मैं ज्ञेयं शोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपाद्यते। अब हमने 18 श्लोक में पढ़ा कि भगवान बता रहे हैं अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, किस तरह वो सिचुएटेड है सबके हृदय में। वो लाइट के भी सोर्स हैं, डार्कनेस से परे हैं, और ऑब्जेक्ट है नॉलेज के, भी है नॉलेज के भगवान। हाँ, तो वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें कि वो ज्ञान भी है, ज्ञेयम भी है और ज्ञान गम्यम भी है। भगवान नॉलेज भी है, भगवान नॉलेज के ऑब्जेक्ट भी हैं, भगवान ज्ञान भी है, भगवान ज्ञान का विषय भी है और भगवान ज्ञान का गोल भी है। हाँ, ज्ञान किससे कहाँ पहुंचा जाए वो भी भगवान है। और वो बता रहे हैं कि मैं जो वो हूं वो परमात्मा रूप में सब में स्थित हूं, सब चीजों में मैं स्थापित हूं। अब जो 19वां श्लोक है उसमें भगवान इस सेक्शन को कंक्लूड कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता के, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह हमने बताया वो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक व्यक्ति को, क्या उसमें गुण चाहिए जो ये सब चीजों को समझ सकता है। और वो भगवान बहुत क्लियर वर्ड्स में बोल रहे हैं इस श्लोक में कि मेरा भक्त ही सिर्फ ये सारी नॉलेज को सही रूप से समझ सकता है। बहुत बारी लोग भगवत गीता की जब बात करते हैं तो उसमें बोलते हैं भगवत गीता का जो निचोड़ है वो ज्ञान है, भगवत गीता को कोई बोलता है निचोड़ जो है वो योगा है, तो बोलते हैं भगवत गीता का जो ज्ञान जो निचोड़ है वो कर्म योग है। और वो ये भूल जाते हैं कि जब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर ही ज्ञान के ऊपर है। हाँ, ये चैप्टर ही ज्ञान के ऊपर है। और भगवान बोल रहे हैं कि ये ज्ञान समझ ही किसको आ सकता है, मद भक्त। हाँ, मद भक्त का इस्तेमाल बहुत क्लियर भगवान कर रहे हैं, मद भक्त एतद विज्ञाया। तो इसकी ट्रांसलेशन है, इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र जो शरीर के बारे में बताया, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया। हाँ, इससे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बहुत क्लियर भगवान बता रहे हैं कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन दी है ये मेरे भक्त ही सिर्फ समझ सकते हैं। तात्पर्य अब ये कंक्लूजन बेसिकली समराइज है जो पीछे हो चुका है। भगवान ने शरीर ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। मतलब नॉलेज जो इसको जो जानता है, ज्ञाता, ज्ञेयम् जिसके लिए ये ज्ञान है, और इसको जानने की जो विधि है, प्रोसेस जो है इस नॉलेज का, ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्ष समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादी का कहना है, अब अद्वैतवादी कौन होते हैं, द्वय मीन्स दो, अद्वय मीन्स दो नहीं एक,
अद्वैतवादी उनको बोलते हैं जो बोलते हैं कि भगवान आत्मा और परमात्मा एक ही है, मतलब हम एक्चुअली में भगवान स्वरूप हैं, सिर्फ हम साक्षात्कार कर लेंगे, रियलाइज कर लेंगे, फिर हम कुछ मेडिटेशन कर लेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। ये जो कंफ्यूजिंग फिलॉसफी है जिसने इंडिया में स्पिरिचुअलिटी का बेड़ा गर्क किया है, ये अद्वैतवाद फिलॉसफी है, जबकि भगवद गीता बहुत क्लियर बोलती है कि द्वैतवाद की फिलॉसफी क्या है। द्वैतवाद, आत्मा और परमात्मा अलग हैं और आत्मा का जो स्वरूप है वो परमात्मा से मेल खाता है क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, बट आत्मा हर समय परमात्मा की सेवा में ही स्थित रह के खुश रह सकती है। क्या लिखा, अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं। कौन सी तीनों बातें? जो नोअर है, ज्ञाता, जिसके बारे में नॉलेज है वो भी, और नॉलेज भी, विधि भी, सब एक बन जाती है। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक श्लोक है जो भगवद गीता में आता है। हाँ, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये, नहीं सॉरी, वो दूसरा वो है, वो वासुदेवम सर्व सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्म नाम, बहुत जन्मों बाद एक ज्ञानी भगवान के शरण लेता है, बहुत बहुत जन्मों बाद। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो एक ज्ञान ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति है वो भगवान को प्रपद्यते, भगवान का कुछ के शरण लेता है, उनको प्रणाम करता है, उनको उनकी सेवा करना स्वीकार करता है। क्या कंक्लूजन आता है उस व्यक्ति का? वासुदेवम सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। हाँ, वास्तविक ज्ञान जिसको प्राप्त होता है वो क्या बोलता है, ये देखो इसमें लिखा है, और इसका अनुभव करते ही कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। सुदुर्लभ मीन्स बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कठिन से मिलता है। दूसरे शब्दों में ये देख रहे हो, और इसका अनुभव करते ही, मार्क करना जरा, और इसका ऊपर वाली लाइन जो है, जाओ आगे जाओ, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बोलता है ना, हम भी ज्ञानी हैं, हमें भी बहुत पता है, हमें भी बड़े शास्त्र पढ़ रखे हैं, वो उस व्यक्ति का ये कंक्लूजन अगर नहीं है तो भगवद गीता का श्लोक ही मैच नहीं होता कि वासुदेवम सर्वमिति। जो ज्ञानवान ज्ञान की सबसे परिकाष्ठा है, सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन तक पहुंच जाता है, वो इस कंक्लूजन पे आना जरूरी है, अदरवाइज उसका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है, सिर्फ बिगिनिंग स्टेज है नॉलेज, ज्ञान भक्ति को समझने। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा ये 9 लिखा है, 8 क्या होता है हिंदी में, 7 है क्या, 6 सात7 होते7 होता है। अच्छा, अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानि से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। बेसिकली जो श्लोक नंबर 6 और 7 में इस चेतना, इस शरीर से जुड़ी जो चीजें हैं उसके बारे में बात हुई है, जो क्षेत्र है, क्षेत्र के बारे में, बॉडी के बारे में। ये सब मिलकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। हाँ, शरीर और कार्य क्षेत्र, बेसिकली बॉडी और फील्ड ऑफ एक्टिविटी का निर्माण करते हैं। तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमान्यत्वम से लेकर तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम तथा कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञातों अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का पूर्ण वर्णन हुआ है। ये 8 से 12 तक। अभी उसके बाद श्लोक नंबर 13, हाँ 13,
मकबरम से लेकर हृदय सर्वस्य विशिष्टतम विशिष्टतम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। तो ये क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयम, ये तीनों का वर्णन इन सब श्लोकों में हो चुका है। इस प्रकार तीन बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र जो शरीर है, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विश्लेषण उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन बातों को ठीक से समझ सकते हैं, अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता भगवत भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, हम इन सब नॉलेज को समझ सकते हैं, हमारे को क्या स्वभाव प्राप्त हो सकता है, हमारे को डायरेक्ट जो कृष्ण का स्वभाव है वो हमें प्राप्त हो सकता है। कृष्ण की पोजीशन नहीं, कृष्ण का स्वभाव, जो सच्चिद आनंद भगवान का स्वरूप है, भगवान का जो दिव्य ट्रांसेंडेंटल स्वभाव है, वो स्वभाव प्राप्त हो सकता है। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवद गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। बहुत क्लियर डेफिनेशन, इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कि भक्त ही सिर्फ भगवद गीता को समझ सकते हैं। अब बहुत से लोग क्लेम करेंगे कि हम भगवद गीता को जानते हैं, वो अपने अपने भगवद गीता पे टीकाएं भी लिखते हैं, पर उनका सबसे पहला लक्षण देखने का ये है कि वो भगवान के भक्त हैं कि नहीं, या वो सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति है, एक स्कॉलर है जो सिर्फ भगवद गीता के नाम पे अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगला श्लोक, अब 20वें श्लोक से लेके 20वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक कृष्ण बात करेंगे प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, और उन दोनों के बीच के यूनियन जो है, उनका जो मेल है। विद्धि अनादि अभावपि विक्रमांश्च गुणांश्च एव विद्धि प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों के को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। लिविंग एंटिटी जो मटेरियल नेचर है, हम भी, हमारा कोई शुरुआत नहीं, कोई बिगनिंग नहीं है, हम शाश्वत हैं बेसिकली, अनादि हैं, कोई कोई हमारा बिगनिंग डेट नहीं है, ना प्रकृति का ना जीव का। और हम जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बेसिकली उनके जो विकार है जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है, वो प्रकृति जन्य है, वो प्रकृति से प्रोडक्ट है, प्रकृति से प्रकट हुए हैं बेसिकली, वो नेचर से, नेचर के द्वारा वो मैनिफेस्ट होते हैं। तात्पर्य इसका, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों का ज्ञान को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों को भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरे ज्ञाता होते हैं जो परमात्मा है। हम भी जानते हैं और परमात्मा भी जानते हैं, दोनों जानते हैं। निस्संदेह यह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। परमात्मा भी भगवान की एक्सपेंशन है, भी भगवान की एक्सपेंशन है, मैनिफेस्टेशन है, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है, उनसे प्रकट हुए हैं। बट फर्क क्या है, अगली लाइन में आ रहा है, जीवात्मा उनकी शक्ति है, हम भगवान की शक्ति है, एनर्जी है, हम भगवान की तथस्थ शक्ति है, मार्जिनल एनर्जी है, और परमात्मा उनके साक्षात अंश है या स्व अंश है। एक होता है विभिन्न अंश, एक होता है स्व अंश। विभिन्न अंश मीन सेपरेटेड एक्सपेंशन एनर्जी, और एक है भगवान की स्व की खुद की एक्सपेंशन। तो जो परमात्मा है वो स्व अंश है। प्रकृति तथा जीव दोनों नित्य हैं। अब ये क्यों बताया है, तात्पर्य ये है कि वे सृष्टि से पहले से विद्यमान है।
अभी जो नेचर हमें देख रहे हैं, नेचर का मतलब यूजुअली भाषा में क्या यूज किया जाता है, पेड़ पौधे। हाँ, नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, बीच पे जाएंगे, पार्क में वॉक करेंगे, फॉरेस्ट वॉक पे जाएंगे। ये तो कुछ सौ साल पहले, कुछ समय पहले प्रकट हुए हैं, तो वो सिर्फ वो नेचर की डेफिनेशन नहीं है, वो तो एक नेचर का एक पार्ट है। ये जो जो प्रकृति है, ये भगवान की जो जो नेचर है, जो एनर्जी है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ये तो सृष्टि से भी पहले एग्जिस्ट कर रही थी। सृष्टि के बाद तो ये सिर्फ मैनिफेस्ट हुई है, दिख रही है बेसिकली। और जीवात्मा, सोल तो एग्जिस्ट करता ही, वो आपको पता है, क्योंकि आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से ही, और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। अब ये पॉइंट अगर हम अपने लाइफ में समझ जाएं कि हम मटेरियल एनर्जी से सुपीरियर एनर्जी है। तीन एनर्जी होती है भगवान की, तीन शक्तियां हैं। मटेरियल एनर्जी सबसे लोअर, उसके बाद जीव जो हम हैं, जो भगवान की तटस्थ शक्ति, जो मार्जिनल एनर्जी है, वो तो सबसे निकृष्ट, सबसे नीचे की होती है, बहिरंगा शक्ति जो मटेरियल एनर्जी है। फिर तटस्थ शक्ति जो मार्जिनल एनर्जी, जो जीवात्मा है, सोल। और फिर तीसरी सबसे ऊपर है अंतरंग शक्ति, जो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो भगवान धाम में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑपरेट करती है। तो जीव जो है वो मटेरियल एनर्जी से सुपीरियर है। बट जब ये जीव, जब मतलब हम, जब हम जीव की बात कर रहे हैं, हमारी बात कर रहे हैं, जब हम भगवान को छोड़ देते हैं, तो हम इस इंफीरियर एनर्जी, जो हमारे से नीचे की एनर्जी है, शक्तियां हैं, उसके अधीन हो जाते हैं, उसके अंडर आ जाते हैं, और वो हमारे दुख का कारण बनता है। बट जैसे ही हम भगवान को की शरण लेते हैं, हम वापिस से इससे बाहर निकल जाते हैं, सुपीरियर अपनी पोजिशन पे आ जाते हैं। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महत्तत्व के द्वारा प्रकट हुई। हमने चार्ट में किया था, जब क्रिएशन का समय आया तो महाविष्णु के शरीर से प्रकृति, जो मटेरियल नेचर, मैनिफेस्ट हुआ। इस प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं, जीव भी उनके भीतर रहते हैं, हम भी भगवान के भीतर रहते हैं। चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। ये हमारे बुरे हाल हैं, और हमारे बुरे हाल के कारण हम भगवान की सेवा से दूर रहते हैं, उससे विमुख रहते हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने नहीं दिया जाता। ये उन्हें नहीं, हमारी बात हो रही है, जस्ट इन्फॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सृष्टि होती है तो हमारे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारे पास चांस है इस जड़ जगत से, इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का अपॉर्चुनिटी मिले। इस भौतिक जगत से बाहर निकलने का चांस मिले। अब एक व्यक्ति है, उसने मास्टर्स कर ली, पीएचडी कर ली, और उसका नौकरी नहीं है, तो उसको नौकरी नहीं है तो उसके पास अपना टैलेंट दिखाने का चांस ही नहीं है ना। अब उसने नौकरी कर अपने उसने उसने इतनी पढ़ाई कर ली, इतनी पढ़ाई कर ली, टॉपर रह लिया, सब कुछ रह गया अपने यूनिवर्सिटी में, बट उसके पास नौकरी करके अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि जो उसकी जब नौकरी लग जाएगी तो वो टैलेंट दिखा पाएगा। उस समय हो सकता है वो बुरी दोस्तों में पड़ जाए, बुरी आदतों में फंस जाए, कंपनी की पॉलिटिक्स में फंस जाए, किसी लड़की वड़की के या लड़के के चक्कर में फंस जाए, और फिर अपना टैलेंट ना दिखाए। बट उसको चांस तभी मिलता है जब उसको नौकरी लग जाती है कि वो अपना टैलेंट दिखाए। उसी प्रकार जीव, जब सृष्टि खत्म होती है तो हम भगवान के शरीर में पुनः अंदर चले जाते हैं, और अगली सृष्टि तक वेट करते हैं, और वो करोड़ों करोड़ों साल होते हैं जब हमारी वेट होती है। बट जब अगली सृष्टि होती है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अब हमारे पास चांस है इस भौतिक, इस मटेरियल यूनिवर्स की कवरिंग को काट के भगवान के धाम परमानेंटली जाया जा सके। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। हमारा विद्रोही स्वभाव है, वी आर रिबेल्स, वी आर एक्चुअली रिबेल, बट नॉट फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ बैड कॉज। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, हम प्रकृति के संपर्क में आए कैसे, हम फंसे कैसे मटेरियल एनर्जी में। वही प्रभुपाद बोल रहे हैं
कि इसका कोई महत्व नहीं है कि हम संपर्क में कैसे आए, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस कुछ श्लोकों के वर्णों से यह निश्चित समझ लेना होगा कि प्रकृति के तीन गुणों द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं। अब हम जो अपने लाइफ में चेंजेस देखते हैं, जो हम हमारे ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, हमारे जीवन में विकार देखते हैं, उसका सिर्फ शरीर से लेना है, उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो सारी की सारी भगवान की अंश है, स्पिरिचुअल है बाय नेचर। अगला श्लोक बड़ा अच्छा है। कर्तृत्वहेतु तो प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। अब ये जो श्लोक है ये हमारे दुखों का और सुखों का कारण बता रहा है, इसमें हम अच्छे से फंसे हुए हैं सारे के सारे। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों के हेतु कही जाती है। जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण का अब जो प्रकृति है वो कॉज है, कारण है किसका? मेटीरियल जितने भी परिणाम हो रहे हैं, जितने भी कारण, जो भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जितने भी कॉज और इफेक्ट हो रहे हैं, जितने भी एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? प्रकृति। वो नेचर के थ्रू हो रहे हैं जितने भी एक्शन रिएक्शन हमारे लाइफ में हम देख रहे हैं। बट इसका सुख और दुख का जो कारण है, जो उस चेंजेस से, उस एक्शन रिएक्शन से जो सुख और दुख मिलता है। अभी जैसे सर्दी गर्मी हो रही है, अब सर्दी गर्मी तो प्रकृति की वजह से हो रही है, बट इसका सुख कौन भोगता है? वो जीवात्मा भोगता है। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अभी मेलबर्न में पोलन बहुत है, इससे हे फीवर होता है, वो पेड़ों से निकलता है, वो प्रकृति की वजह से चेंजेस हो रहे हैं, बट इसका सुख और दुख कौन भोग रहा है? हम भोग रहे हैं। हाँ, बारिश प्रकृति की वजह से हो रही है, बट इसका सुख और दुख कौन भोग रहा है? जीवात्मा भोग रही है। सुख भोग रहा है वो जिसका अम्ब्रेला की दुकान, दुख भोग रहा है वो जिसका ओपन एयर में बिजनेस है, काम है या नौकरी है, जो खत्म हो गई है, जो काम नहीं चल रहा है इसका बारिश के कारण। तो एक सुख भोग रहा है, दुख भोग रहा है, बट कारण क्या है? प्रकृति इसके कारण है, कॉज एंड इफेक्ट के। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसके तात्पर्य। सॉरी, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। चौरासी लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रियों सुखों से ये योनियां मिलती हैं। और जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करते हैं, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार से सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक दुख और सुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। हाँ, अब हम आत्मा के कारण तो भूख दुख नहीं भोग सकते, बट आत्मा को जो शरीर मिलता है, कोई छोटा हाइट है, कोई बड़ा हाइट है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई बीमारी के साथ पैदा हुआ, कोई अपंग पैदा हुआ, किसी का क्या प्रॉब्लम, किसी का बचपन से पेट में इश्यू है, किसी का जीभ में इश्यू है, किसी का कान सुनना कम है, प्रॉब्लम है, कहीं की आंखें कम दिखता है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग जाता है, किसी के पाचन शक्ति कमजोर है, बट सुख और दुख कौन भोग रहा है? आत्मा भोग रही है, हम भोग रहे हैं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वह उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है।
वैकुंठ लोक में ऐसा कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार से शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। सेंस, बेसिकली सेंसेस काम कर रही है हमारी। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। हमारी डिजायर है और उस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या है हमारी बॉडी में? सेंसेस है। हमारी इच्छा क्या होती है कि कुछ टेस्टी खाना है। अब उसको पूरा कौन करेगी? जीव करेगी। वो सिर्फ एक साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। और जैसे ही अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान के वश वरदान या शाप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे भिन्न स्थानों में पहुंचाती है। हम सोल सिर्फ डिजायर करती है और जैसी जैसी उसकी सेंसेस हैं, बॉडी है, उसके कर्म है, उसके आसपास की सिचुएशन है, वैसे वैसे वो कार्य में फंसती है और सुख और दुख व्यक्ति भोगता है और उसी हिसाब से उसको अगला शरीर तैयार हो रहा है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। इस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। भगवान के शरीर में और हमारे शरीर में यही भेद है कि भगवान पे प्रकृति का कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि भगवान का शरीर प्रकृति द्वारा दिया गया नहीं है। हमारा शरीर हमारी गलत इच्छाओं के द्वारा हमारे को भौतिक शरीर मिला है, क्योंकि हमारी इच्छाएं भौतिक थी और प्रकृति ने हमारे को ये मटेरियल बॉडीज दी हैं, भौतिक शरीर दिए हैं। अब जब हमारे को भौतिक शरीर मिल गए तो हम प्रकृति के कंट्रोल में ऑटोमेटिकली आ गए। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इस शरीर को ही खुद मान लेते हैं, अपने आप स्वयं मान लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये शरीर के कंट्रोल मैं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। सोचो कितना, एक्चुअली में आप देखो कितना भगवान का कितना भ्रम, भगवान का भ्रमित करने की शक्ति कितनी स्ट्रांग है कि जो हूं ही नहीं, जिसकी वजह से मैं सुख दुख भोग रहा हूँ और ज्यादातर दुख भोग रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं फंसा हुआ हूँ इस जगत में, मैं उसको दुश्मन तो भूल जाओ, उसमें फंसा हुआ हूँ ये तो भूल जाओ, मैं उसमें उसको खुद मान के चल रहा हूँ। मैं यही मान रहा हूँ कि मैं ही ये शरीर और मन हूँ, मतलब उसमें उसको प्रॉब्लम की तरह देखना तो बहुत दूर की बात है। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ। हो गया कि एक बंदा मेरे घर में मेरा दुश्मन है और मैं उसको अपने से भी ज्यादा प्यार कर रहा हूँ और वो मेरा एक्चुअल दुश्मन है, तो ये शरीर और मन का ये हाल है। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया, जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है, वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। अब देख रहे हो प्रकृति के जो कंट्रोल है कितना स्ट्रांग है। अगर मेरे को कुत्ते का शरीर मिल गया है तो मैं इंसान की तरह बिहेव नहीं कर सकता, मुझे कुत्ते के तरह ही बिहेव करना होगा और ये प्रकृति का कंट्रोल है मेरे ऊपर। मैं आत्मा हूं, प्योर हूं, भगवान का अंश हूं, भगवान का दास हूं, पर अगर मेरे गलत कार्यों के, गलत इच्छाओं के द्वारा मुझे अगर कुत्ते का शरीर मिल गया है तो मैं इंसान या कोई और जानवर भी नहीं, मुझे कुत्ते की तरह ही एक्ट करना पड़ेगा। इसमें बड़ा अच्छा एक स्टोरी है, जब इंद्र को श्राप मिला था सुअर बनने का, तो इंद्र जो स्वर्गों में राजा था, स्वर्गों का राजा, सबसे ज्यादा ऐश्वर्य ऑपुलेंस एंजॉय करता, अप्सराएं और ड्रिंकिंग और सारी की सारी एंजॉयमेंट उसके पास थी। जब उसको सुअर बनने का जो श्राप मिला, तो वो जब अपनी वाइफ सुअर और बच्चे सुअरों के साथ था, छोटे छोटे क्यूट क्यूट से सुअर के बच्चे के साथ नाली में बैठ के मल मूत्र के बीच में रह रहा था, गंद खा रहा था, तो उस समय जब उसका समय पूरा हुआ और ब्रह्मा जी उसको बुलाने आए कि चलो इंद्र वापस चलो तुम्हारी गद्दी पे, तो सुअर बोला पागल हो तुम, मैं यहाँ इतना एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पे नाली में अपनी वाइफ सुअर और अपने क्यूट क्यूट छोटे छोटे सुअर बच्चों के साथ, और तुम मुझे बोल रहे इंद्र बिंद्र बना, मुझे नहीं जाना, ये मल छोड़ के कौन जाएगा इंद्र बन में।
ब्रह्मा जी बोले, बाप रे, तो प्रकृति बहुत पावरफुल है। हैं, प्रकृति ने तो इंद्र का दिमाग घुमा दिया जो देवताओं का भी राजा है। तो ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से इंद्र को दृष्टि दी कि तू कहाँ फंसा हुआ, तू देख, तू कहाँ सूअर के शरीर में फंसा हुआ, निकल यहां से बाहर। तो ये पावर है शरीर का मिलने की। इसलिए भक्त का बहुत ज्यादा प्रयास रहता है कि किसी ना किसी तरह इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले, ताकि कोई भौतिक शरीर और मिले ही नहीं जो अपने को और बांधे या फंसा सके। अब जानवर का शरीर छोड़ो, किसी को अगर पुरुष या स्त्री का शरीर मिल जाता है तो आत्मा तो प्योर है, बट उसको स्त्री के शरीर के हिसाब से चलना पड़ता है। जो एक औरत का बेसिक नेचर होगा वो उसको उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा, जो एक आदमी का बेसिक नेचर होगा वो उसको उस हिसाब से चलना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। यदि जीव को शुक्र का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा शुक्र की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है, यही प्रकृति का नियम है। वेदों में, मुंडक उपनिषद में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। द्वार संपूर्ण करना सयुज सखाय सखाया, परमेश्वर जीव पर इतने कृपालु हैं कि वे सदा जीव के साथ रहते हैं और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहते हैं। अमेजिंग है। अब ये इंफॉर्मेशन भगवद गीता से ना पढ़ा तो किसी को समझ भी नहीं आएगी कभी कि ऐसा होता भी है, कि मैं किस तरह फंसा हुआ हूँ और मैं किस तरह फंसा होने के कारण कंडीशन हूँ, बाध्य हूँ उसी प्रकार से एक्ट करने के। प्रभुपाद जी से कई बारी, प्रभुपाद जी के जो फीमेल डिसाइपल्स थी, माता जी से पूछती थी कि प्रभुपाद शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री ये स्त्री वो, उसको उसका इंटेलिजेंस कम होता है तो उसका इमोशनल ज्यादा होती है फीमेल, और आदमी जो है वो ज्यादा हर समय एनालाइज करते रहते हैं। आदमी आदमी जो लोग हैं वो हृदय से सिंपल नहीं होते, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हर समय एनालाइज करते रहते हैं, और जो माता जी हैं वो सिंपल होती है, उनका फेथ जल्दी बन जाता है। तो जब जो तो प्रभुपाद से उनके डिसाइपल्स पूछते थे माता जी कि ऐसा फिर ये डिफरेंस है तो फिर क्या हम भक्ति नहीं कर सकते कृष्ण की? तो प्रभुपाद का वो सिंपल आंसर रहता था, तुम स्त्री या पुरुष तब तक ही हो जब तुम अपने को स्त्री या पुरुष मानते हो, और जब तुम आत्मा के स्तर पे आके कृष्ण की सेवा करने लगते हो और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना में भ्रमित होने लगते हो तो फिर फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से शरीर में, तुम शरीर के स्तर से ऊपर उठ जाते हो। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है सर। प्रकृति तो ही भुंते प्रकृति जान गुना कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मशु, इस प्रकार दूसरी दूसरी योनियां मिलती हैं। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता है, करते हुए प्रकृति में ही जीवन बिताता है। नेचर के अंदर भौतिक प्रकृति जो याद है ना, लोअर जो है वो मटेरियल नेचर है, फिर जीव जो है वो सुपीरियर है, बट जीव तीनों गुणों के अंदर फंसने के कारण जो मोड ऑफ गुडनेस है सत्व गुण, मोड ऑफ पैशन है रजस रजोगुण, और मोड ऑफ इग्नोरेंस है तमोगुण, इन तीनों गुणों के ग्रिप में फंस के वो अपने से इंफीरियर जो एनर्जी है उसके नीचे आके फंस जाता है। प्रॉब्लम ये है। तो इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है, यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अध्यम योनि मिलती रहती है। ये कारण है हमारे को निचली योनियों में जाने का या ऊंची योनियों में जाने का, प्रकृति के साथ हमारा इंटर। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है, अपने शरीर छोड़ने के बाद किस प्रकार दूसरे बॉडी में जाता है। दूसरे अध्याय में बताया गया था कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर की तरह कि दूसरे शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्तियों के कारण होता है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकट्य पर मुग्ध रहता है
तब तक उसे निरंतर ध्यानांतरण करना पड़ता है, तब तक बॉडी चेंज करते रहना पड़ेगा, तब तक फंसे रहना पड़ेगा जब तक हम इस फॉल्स मिथ्या मैनिफेस्टेशन में फंसे रहेंगे। प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की जो इच्छा के फल स्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसा रहता है। ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, इसको मार्क करना जरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रकृति प्रभुत्व जमाना, हाँ, जब तक हमारी डिजायर इस प्रकृति का शोषण करने की है, तब जब तक हमारी डिजायर इस प्रकृति का शोषण करने की है, तब तक हम यहाँ फंसे रहेंगे। और जब तक हमारी डिजायर इस प्रकृति को भगवान की सेवा में लगाने की नहीं बनेगी, तब तक यहाँ से फ्री नहीं हो पाएंगे। तो जब तक हम इसका शोषण करने में लगे, शोषण का मतलब क्या है, जो भी रिसोर्स है मेरे आसपास, जो भी कुछ मुझे दिख रहा है वो मेरे यूज के लिए है, मेरे इंजॉयमेंट के लिए है, मुझे ही उससे आनंद चाहिए, वो सब मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को इस यूनिवर्स का सेंटर मानता हूँ, भगवान इस जगत के सेंटर नहीं है, मैं हूं। तो जब तक ये मानसिकता है, तब तक तो यहाँ पे फंसे रहना ही पड़ेगा। जैसे ही ये मानसिकता बदलेगी और यही प्रकृति को हम भगवान की सेवा में लगाना शुरू करेंगे, वही बनता जाएगा। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। हमारी सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि हम फंसे पड़े हैं बुरी तरह, हम बुरी तरह फंसे हुए हैं, बट अहंकार वश हम क्या समझते हैं, आई एम द लॉर्ड एंड मास्टर, मैं डिसाइड कर रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं चूज कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे ऐसे मजा लेना है। बट वो मूर्ख व्यक्ति को समझ नहीं सकता कि वो प्रकृति के वश में फंसा हुआ है, वो प्रकृति के वश में व्यक्ति फंसा हुआ है, वो प्रकृति से अलग नहीं पर नहीं है। हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है, यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठ के दिव्य पद पर स्थित होना होता है। इन गुणों से ऊपर उठ के दिव्य पद पे जाना है हमने, यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादि काल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। एक आचार्य बोलते हैं कि अगर हमने जितने जन्म अभी तक ले लिए हैं इस मटेरियल क्रिएशन में, इस भौतिक जगत में, हमने जितने जन्म ले चुके हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा पहला जन्म है और एक ही जन्म होता है, जितना एंजॉय करना है कर लो, जितना बटोरना है बटोर लो, जितना जोड़ना है जोड़ लो, सब कुछ अभी के भी यही 10 20 50 60 70 साल है, जो एंजॉय करना है बस पागलों की तरह बस कर लो, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलना। एक आचार्य बताते हैं कि जितनी बारी हमें मौका मिल चुका है, जितनी बारी हम ये गलतियां कर चुके हैं और बार बार दूसरे से दूसरे शरीरों में जा रहे हैं, किस प्लान से, हाँ ये प्लान, ये अब मुझे अच्छे से एंजॉयमेंट करने का मौका मिलेगा, अब मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करूंगा। वो आचार्य बोलते हैं कि अगर हम अपने सारे शरीर की हाइट जोड़ दें, जितने शरीर हम ले चुके हैं, कुत्ते बिल्ली घोड़े जितने भी, जो भी योनियों में, मनुष्य की योनि में, सबके शरीर जोड़ दें, तो हम हिमालय के सबसे ऊंची चोटी को भी पार कर जाएंगे, इतने शरीर हम इस जगत में ले चुके हैं। गिनती नहीं है, गिनती नहीं है कितने शरीर हम ले चुके हैं, और फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इस भौतिक प्रकृति में बुरी तरह फंसे हुए हैं। और यही भगवान भगवत गीता के थ्रू बता रहे हैं कि निकलो, इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, निकलो यहां से बाहर। लेकिन उन्हें, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यही परिवर्तन प्रमाणिक स्तोत्रों से सुनकर ही लिया जा सकता है। इसकी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की जो चिर अभिलाषित आकांक्षाएं समाप्त हो जाएंगी,
और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति में विद्वान बनता जाता है त्यों त्यों उसे अनुपात में वह आनंदमय जीव होगा। हम इस जिसको जिसका कंट्रोलर जिसका मास्टर बन के बैठे हैं और हमारे आसपास जो भी है हमारे घर में जितने गैजेट हैं वो भी हमें लगता है हमारी एंजॉयमेंट के लिए हैं, हमारे घर में जितने रिश्तेदार हैं हमारे आसपास जितने लोग हैं हमारे होने वाले हस्बैंड होने वाले वाइफ हमारे जो हस्बैंड वाइफ हैं हमारे बच्चे माता पिता बड़े बूढ़े रिसोर्स पेड़ पौधे पानी बीच कहीं भी देखो हाँ सब्जियां खाने पीने का चीजें जो भी हम देख रहे हैं गाड़ी फ्यूल पेट्रोल कोल कुछ भी हमारे आसपास है हमारी मानसिकता क्या है शोषण करने की। ये सब मेरे एंजॉयमेंट के लिए है, मेरे मेरे घर में मेरा एक रिश्तेदार है वो कोई मेरे सेवा का पात्र थोड़ी ना है, वो तो सृष्टि में आया ही इसलिए है, मेरी पत्नी या मेरा पति वो तो सृष्टि में आए ही इसलिए है कि किस तरह मेरी इंद्रियों को सुख दे सके। तो जितना ज्यादा हो सके जोर से जबरदस्ती से प्यार से पुचकार के भीख मांग के जैसे भी मर्जी करके मुझे सुख लेना है, मुझे सुख लेना है। कई लोग बोलते हैं कि हाँ इनका तो परिवार बड़ा सुखी है, इनके परिवार में लड़ाई नहीं होती, दूसरे परिवार में देखो तो कलेश चलता रहता है कलेश चलता रहता है। दोनों में प्रॉब्लम सेम है, एक ने यह समझ लिया कि मुझे अगर अपने सेंसेस को एंजॉय करना है तो शांति बनाए रखो घर पे, दूसरे ने ये डिसाइड किया कि मुझे भी एंजॉय करना है बट मैं शांति नहीं बनाऊ। दोनों को एक दूसरे का शोषण ही करना होता है। जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनता भगवान का तब तक उसकी मानसिकता चेंज नहीं होती और वो यही सोचता रहता है कि हमारा तो फैमिली लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं, दोनों ने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि तू मेरा शोषण और मैं तेरा शोषण किस तरह करें इसमें लड़ाई ना हो और हम कंपैटिबल बन के एक साथ चलें और एक दूसरे का शोषण कैसे करें। क्यों? क्योंकि जीवन का लक्ष्य यही है, जीवन का गोल यही है। जब व्यक्ति इससे ऊपर उठता है तो वो दूसरे व्यक्ति को अपने पति को अपने पत्नी को अपने बच्चों को माता पिता बड़ों को देख पाता है कि हाँ ये मेरे शोषण की वस्तु नहीं है ये तो मेरे सेवा करने की वस्तु है, इसके लिए तो मुझे सेवा करनी है, मुझे मेरे पत्नी के लिए सेवा करनी है, मुझे मेरे बच्चे के लिए मेरे पति के लिए सेवा करनी है। और ये जो सेवा भाव है ये कब आ सकता है? जब हम ये देखना शुरू कर दें कि ये जीव मेरे माता पिता बच्चे पत्नी पति जो भी रिश्तेदार दुनिया में लोग ये प्रकृति पेड़ पौधे जितने रिसोर्स है फ्यूल है गाड़ियां है जो भी है ये सब भगवान के दिए हुए गिफ्ट्स हैं और मुझे इनकी सेवा करनी है या इनको इस तरह इस्तेमाल करना है कि इनको भगवान से कनेक्ट किया जा सके या भगवान को दिया जा सके। बस ये जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये जो सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग है ये इनफ है इस जगत से मुक्ति धीरे धीरे प्राप्त करने की, ये इनफ है। हाँ, बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ये इनफ है इस भौतिक सृष्टि से धीरे धीरे मुक्त होने के लिए। जब हमारी शोषण करने की प्रवृत्ति हटेगी और वो आर्टिफिशियली नहीं हो सकती, आप सोचो कल से मैं दूसरे व्यक्ति जीव का शोषण करना बंद कर दूंगा वो नहीं हो पाएगा। जितना हमारा कृष्ण भावना में जितना हमारा भक्ति बढ़ता जाएगा उतने हमारा शोषण करने की जो मानसिकता है वो कम होती जाएगी। और वो कैसे होगी? जितना हम हर चीज को भगवान के कनेक्शन में देखना शुरू करेंगे अपने रिश्तेदारों को भी अपने भी बच्चों को भी प्रकृति को भी उतना ही वो उसको एक्सप्लॉइट करने की मेंटालिटी कम होगी जबकि सर्व करने की मेंटालिटी ज्यादा होगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला श्लोक अच्छा तो ऐसा सोचा था मैं एक सबसे डिस्कस करनी थी सबसे अभी आप लोग सब ऑनलाइन हो। इस वीक से मैं प्लान कर रहा हूँ कि हफ्ते में 2 दिन क्लास ना करके सिर्फ 1 दिन ट्यूजडे को करें कि अभी सब बिजी हो रहे हैं और लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है सब चीजें खुल भी गई हैं तो हफ्ते में 1 दिन क्लास करें बट थोड़ा सा लंबा कर लें चाहे ट्यूजडे को
जैसे यूजुअली होम प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो ये कोई क्लासेस होती हैं तो वंस अ वीक ही होती हैं। हमने 2 बार इसलिए करी थी कि सब लोग घर पे ही थे, और तो इसमें को कुछ अपना कोई ओपिनियन देना तो आप अभी बता सकते हो कि क्या कैसे, कुछ और आइडिया है तो भी। बट मेरा प्लान ये था कि ट्यूसडे हम क्लास करें और वंस अ वीक। क्या लगता है आपको सबको? ठीक है बोली जैसी आपकी। यस प्रभु ठीक अभी है। सबका बिजी हो ही रहा है, फिर मैंने सोचा फ्राइडे फ्राइडे को ऑफ रख के जिसको भी इवनिंग वगैरह वीकेंड फ्री हो, फैमिली के साथ टाइम बिताना है जो भी है, फ्राइडे रात शाम में ना करके फिर ट्यूसडे तक रखें। हाय ब्रदर हरे मैंने कृष्ण ना। यस दैट्स गुड। दिस ट्यूसडे आई कैन ट्यूसडे इज गुड ओके ना? ओके या और यस कोई? प्रभुजी ट्यूसडे इज गुड। प्रभुजी कैन वी हैव लिटिल बिट लॉन्गर क्लास, नॉट मोर देन 1 आवर? मोर देन 1 आवर ना? यस प्रभुजी यस अराउंड 2 आवर और मोर देन 1.5। हाँ थोड़ा सा लंबा करेंगे, वे ना हो क्योंकि चक्कर क्या पता है, कोई वीडियो ऑन करता नहीं है तो मुझे पता नहीं होता कि कोई स्कूल कितने लोग सो रहे हैं, ना कराटे की आवाज आती है ना कुछ आता है, तो पता ही नहीं चलता एक्चुअली ना कि लोग जाग भी रहे कि नहीं जाग रहे। तो मैं तो अपने से बातें कर रहा हूँ ऐसे भी, मुझे तो सिर्फ मैं ही दिखता हूँ स्क्रीन पे और भगवदी तो दिखती है। ट्यूसडे इस टाइम कोई नहीं सोता है, सब सुनते हैं, सिर्फ वीडियो पे मुंह गुरु आती जी है। ठीक है ऐसा ट्यूसडे कुछ नहीं है, बिल्कुल रिसेंटली सुन रहे हैं आपको सभी लोग। ओके और तो मैं से जोक मार रहा मुझे है। दो दो दिन की बजाय हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप पढ़ाओगे, 2 दिन के बढ़ाएंगे क्योंकि बीच में खाली रहता है तो ऐसा लगता है आज कुछ मिस हो रहा है, आपको नहीं सुनते हैं तो। अच्छा, पिछली रिकॉर्डिंग्स प्लीज दोबारा सुन लो। 2 दिन तो रहने ही दो प्लीज। से कम वीक में 2 दिन तो क्योंकि ना रहने ही अभी दो। अच्छा वो आपका पी लिखा हुआ मुझे पता नहीं, आपका नाम क्या, कौन हो? आपकी परवीन हाँ जी मोदी। प्रवीण, आप मेलबर्न में हो प्रभु या इंडिया में हो? हाँ मैं इंडिया में हूँ। हाँ ये मेलबर्न वाले का थोड़ा चक्कर है, फ्राइडे नाइट वाले ना। हाँ हमें पब अब जाना होता प्रभु जी। डे मास्टर है, आफ्टर ये द फ्री है क्राइसिस इसलिए बोल के लिए। प्रभु जी या ट्यूसडे दिस इन लॉकडाउन आई कैन अटेंड बोथ, आई एम अटेंडिंग बोथ क्लास, बट व्हेन लॉकडाउन इज फिनिश देन क्योंकि अभी या मेलबर्न में, हाँ वही तो, अभी बट ऑस्ट्रेलिया में भी अभी यहाँ लॉकडाउन खत्म हो रहा है, सबका ना सीन चेंज होगा और सब या ट्यूसडे विल मंदिर बी भी आना ओपन। शुरू होंगे। तो प्रवीण प्रभु, या आप में से जितने भी बाकी हैं जिनको मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, जितने भी बाकी डिवोटीज हैं जो क्लासेस सुन रहे हैं, आप सब ग्रुप में हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है, आप अपने से प्लीज रीडिंग करें भगवद गीता का, और कोई भी क्वेश्चन आता है आप मुझे बस ऑडियो रिकॉर्ड करके पूछ सकते हो, और वो हम व्हाट्सएप के थ्रू बात भी कर सकते हैं उस बारे में। तो उससे क्या होगा कि वीक के बीच में आप अपने पर्सनल स्टडी करो सिर्फ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब सिर्फ हम सुन रहे हैं तो वो एक हैबिट हो जाता है कि ओके कोई बोल रहा है और अब मुझे सुनने है, सुन रहा है और मुझे समझ आ रहा है, बट हम पर्सनल हैबिट डेवलप नहीं करते खुद से रीड करके समझने की। तो माय रिक्वेस्ट इज कि आप खुद से एक बार खुद से पढ़ना शुरू करो साथ में, और आप समझो, और कोई भी क्वेश्चन है मैं फुली अवेलेबल हूँ, मैं फ्री एक्सेस दे रहा हूँ आप लोगों को, आप कभी भी मैसेज करना, कोई क्वेश्चन पूछना है आप बस मुझे पूछ लो, ऑडियो रिकॉर्ड करो, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं रिकॉर्ड करके आपको वापस भेज दूंगा और रिप्लाई डिटेल में। उससे ये होगा कि विद इन द वीक, वीक के बीच में भी कनेक्टेड रहेंगे बट पर्सनली आपका हैबिट बनेगा, स्पून फीडिंग से थोड़ा सा व्यक्ति और ऊपर उठेगा और खुद से भी आदत डलेगा रीडिंग करके समझने का, और फिर नहीं समझेगा तो फिर मैं हूँ ही बताने के लिए पीछे। तो ठीक है प्रवीण प्रो।
बिल्कुल ठीक है वैसे तो, लेकिन क्या था अभी जैसे 13 चैप्टर ही कर रहे थे, और हाँ जी जैसे अभी आपने जो पॉइंट बताया ना कि लॉर्ड ऑन द नेचर, नेचर आदमी उसके उस पे प्रभुत्व जो हाँ मैंने हाँ पहनता जी है, तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स आ रहे थे, तो आप जब हम पहले पढ़ लेते हैं फिर आप एक्सप्लेन करते हो तो बहुत अच्छे से समझ आता है। हाँ जी तो वीकली जैसे हम एक श्लोका भी करते हैं तो 7 श्लोका हो जाते हैं, और आप एक दिन क्लास लोगे तो हो सकता है उसमें मेरे ख्याल से 7 श्लोका कवर आप शायद ना कर पाओगे इतना डिटेल में, इसीलिए हाँ तो मैं मैं तो, आपको मेरा तो कॉल टारगेट किया। 4 से 5 का ही रहता है, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता, मैं जैसे खुद अगर से रश नहीं एक करना दिन का लेते हो चाहता। ऐसे कोई कोई अलग रख लेते, या तो 2 दिन हो जाता तो और अच्छा था। इवन मैं बीच में बोलने वाला था एक दिन कि आप कम से कम 3 दिन करो ताकि हम और आपके नजदीक आए और अच्छा हो तो और अच्छा लगे। एक एक चीज अब एक्सप्लेन हो रही, इतने अच्छे से समझ आ रहा है, बहुत हाँ तो ही हम मिस नहीं कुछ भी करेंगे, सिर्फ स्पीड थोड़ा कम हो जाएगा। जो जो हम जो सपोज 4 4 श्लोक करते थे, और हफ्ते में हमारे 8 श्लोक 2 क्लास में हो जाते थे, मेरा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट एक क्लास को ही थोड़ा लंबा करके 5 से 6 श्लोक हो। बट वही श्लोक अगर आप वापस से जाके किसी दिन अपना निकाल के पढ़ो, आपका कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड नहीं, कोई अपना पर्सनल भी कोई आपको क्वेश्चन आता है भक्ति में किसी प्रकार से भी, तो आप कभी भी मेरे को डायरेक्ट फोन भी मिला दो चाहे, बट क्वेश्चन है प्रश्न है कोई भी, आप रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजो। बहुत सारे भक्त करते हैं ऐसे, ताकि आपका खुद की रीडिंग हैबिट से डेवलप हो और खुद से भी सीखो। और ऑनेस्टली क्या हो रहा है अभी कि ये मैंने डिसाइड इसलिए किया कि मेरा तो चलो मैं किसी तरह खुद को खींच लूंगा, बट अभी काफी सारे डिवोटीज बिजी होते जा रहे हैं, अभी जैसे जैसे लाइफ यहाँ पे नॉर्मल होता जा रहा है वैसे वैसे सब बिजी होते जाएंगे। और अभी देखो ट्यूसडे में सबसे बेनिफिट ये है कि वीक के बीच में है ट्यूसडे, तो किसी का कोई स्पेशल कमिटमेंट नहीं होता है, बट फ्राइडे में होता है। सैटरडे या संडे में एक सही मेरे को रहेगा। ऐसा हम क्या करते हैं, हम इसको 1 महीना करके देखते हैं ऐसा, 3 4 हफ्ते तक एक वंस अ वीक क्लास। अगर मुझे खुद भी लगेगा ना कि यार तो बहुत कनेक्शन टूट रहा है या स्लो हो रहा है, मैं वापस से 2 पे आ जाऊंगा फिर, चलो ठीक है, श्री ठीक है ना। कृष्णा प्रभु जी ट्यूसडे वेंसडे कर सकते हैं। हाँ ट्यूसडे वेडनेसडे ट्यूसडे वेंसडे मेरे को ना सिर्फ ट्यूसडे और फ्राइडे सूट करता है, क्योंकि मेरा 6 से 7 वो क्लासेस ऐसा वीक में होता है एटलीस्ट मिनिमम। नो प्रॉब्लम प्रभु जी, आपको जैसे कन्वीनियंट हो वैसा। हाँ बट मैं ऑनेस्टली मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आपके पास है एक्सेस, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, बट अपना पर्सनल रीड करो और मेरे को मैसेज भेजो। आप बस मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दो, मैं आपको आंसर करूंगा। कई डिवोटीज हैं वो कर रहे हैं ऐसा, तो उससे क्या हो रहा है कि उनकी पर्सनल जो स्टडी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही, उसकी हैबिट नहीं टूट रही, जबकि वो इनकरेज हो रही है। अदरवाइज होगा क्या कि बहुत समय बीत जाएगा और हम सिर्फ हर समय डिपेंड ही करेंगे कि कोई समझा दे, और समझाने के लिए है भी ना हमारे मतलब सर्विस ही यही, समझाने ही सर्विस है हमारी तो। बट जो व्यक्ति खुद से समझने लगता है, और कोई कहीं जगह कहीं स्पीड ब्रेकर कोई आया तो उसके लिए है धक्का मारने के लिए, बट तब तक एटलीस्ट तब तक इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस, वो करना चाहिए, करके देखते हैं कुछ भी, और देखते हैं फिर कैसा जाता है, फिर अदरवाइज विल कम बैक टू नॉर्मल पहले जैसे। ठीक है ना, यस प्रभु, कोई क्वेश्चन है किसी का जनरली? एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अभी आप जैसे बता रहे थे ना द्वैतवाद और अद्वैतवाद पे, तो क्या क्या इसमें समझ अगर नहीं मान आया? लीजिए द्वैतवाद, एक्सक्यूज मी हाँ जी हाँ प्रभु जी जी, बोलिए। हाँ हाँ अगर हम द्वैतवाद की बात करते हैं तो उसमें आत्मा और भगवान को लेंगे या आत्मा और परमात्मा को लेंगे? परमात्मा तो भगवान ही है ना, सेम बात है, परमात्मा
परमात्मा तो वैसे भगवान का ही एक्सपेंशन है, सो अंश है। परमात्मा जो है वो भगवान की एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन कैसे? भगवान जो हर जीव में भगवान ने खुद को एक्सपैंड कर स्थित किया है, परमात्मा का स्वरूप है। बट वो परमात्मा जो है वो जो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, जो परम सत्य, जो भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करता। जिस प्रकार अगर इसको नॉर्मल एग्जांपल की तरह समझें तो वो ये है कि आप क्या पर्सन हो, आप क्या व्यक्ति हो, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आपका क्या मन मन है, आपका क्या स्वभाव है। वो आप जब आप ऑफिस में जाते हो तो आपके स्टाफ को नहीं पता चलता, क्योंकि आपने अपनी पूरी पर्सनैलिटी वहां पे दिखाई नहीं है। अपने ऑफिस में आपने ऑफिस में उतनी ही अपनी पर्सनैलिटी दिखाई है जितनी ऑफिस में जरूरत है काम के रिलेटेड। अब ऑफिस में उनको ये नहीं पता चलेगा कि जब तुम घर जाते हो तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पे घोड़ा बन के तुम्हारे बाल खींच के तुम्हें घोड़े की तरह चलाता है, या पता नहीं तुम्हारी डांटती है ऑफिस में तुम डांट रहे हो वो, या जो भी हो सकता है घर में सीन, जो पर्सनल लाइफ में सीन है। तो जो तुम कंप्लीट, जो तुम्हारा कंप्लीट टोटैलिटी है, वो तो भगवान का स्वरूप है। हा? जो भगवद गीता में कृष्ण बोल रहे हैं कि वो मेरा स्वरूप है, बट मेरे अलग अलग कार्यों के लिए जो मैं एक्सपेंड करता हूँ वो भगवान के बाकी अंश हैं, जिसमें परमात्मा एक आस्पेक्ट है सिर्फ। और भगवान के कई और अवतार हैं जो अलग अलग लीलाओं के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और उसमें भी भगवान अपनी सारी की सारी पर्सनैलिटी को रिवील नहीं करते, पूरी की पूरी तरह अपने ये पर्सनैलिटी उसको नई पब्लिक के सामने दर्शाते। तो परमात्मा और भगवान में कोई भेद नहीं है, सिर्फ भगवान अपनी सारी शक्ति परमात्मा के जो उनका जो जो स्वरूप है उसमें दिखाते नहीं है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू। और भी क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, और नेक्स्ट ट्यूसडे से हम थोड़ा सा लंबा क्लास करेंगे ताकि हम ज्यादा कंटेंट कवर कर सकें। सो मेरे को जहां तक लग रहा है मैक्सिमम दो दो क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाएगा, और फिर हम 14 चैप्टर पे आ जाएंगे। तो जहां तक मेरा ख्याल है मैक्सिमम जनवरी, क्योंकि 18 चैप्टर बहुत बड़ा है, उसमें 78 श्लोक हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक हैं। बट बीच में जो चैप्टर हैं वो थोड़े क्विक होंगे क्योंकि उसमें फटाफट थोड़ा चलेगा। बट आई थिंक फेब तक हम भगवद गीता खत्म कर देंगे, विच इज अ बिग थिंग। इतना डिटेल में हमने किया, और अगर हमारा फेब तक भगवद गीता खत्म हो गया, इट्स अ बिग बिग थिंग। देखते हैं भगवान की क्या इच्छा। हरे कृष्ण प्रभु, 1-6 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। हाँ, 1-6 बचे हैं। तो उसके बाद मेरा प्लान ये है कि एक क्रैश कोर्स करके 1-6 चैप्टर कर दूं, ऐसे डिटेल में ना जाके, बट एक क्रैश कोर्स करके, ताकि आप लोगों का पूरा भगवद गीता समराइज हो जाए, पूरा भगवद गीता आपके सामने कवर हो जाए बेसिकली। क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ लोग जितने भी सब डिवोटीज सब रेगुलर आ ही रहे हो जब से हमने शुरू किया है। तो 1-6 चैप्टर का एक पर वीक या पर 2 वीक के अंदर चैप्टर की समरी दे देके पहले पहले से 6 चैप्टर में उसको खत्म कर देंगे, 5-6-7 हफ्तों में मैक्सिमम, या 2 महीने में मेबी। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथ राशि में भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।